हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनएकेडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने मेटलिक पॉइजन्स का ही सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनएकेडमी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मैं पार्ट टू लेके आया हूं इसका, मेटलिक पॉइजनिंग का। मेटलिक पॉइजनिंग का इसके अंदर मैं बेसिकली आपको मरकरी और लेड के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए अनएकेडमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। अनएकेडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहां पे आपको नीट पीजी के लिए गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं आपको। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। स्पेशल क्लासेस एकदम लाइव क्लासेस होती हैं, तो ऐसे में अगर आपके कोई डाउट हैं तो आपके ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। तो सुना ये हुआ, यहाँ पे वन टू वन इंट्रेक्शन होता है एजुकेटर के साथ। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या आपको डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस का बेनिफिट यही है कि आपको ऑन द स्पॉट आंसर आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंटर्न्स की बात करूँ तो उनका डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है। तो ऐसे में वो डेली एक टाइम पे किसी क्लास के लिए नहीं जा सकते हैं या ट्रैवलिंग टाइम लगता है। तो ऐसे में उनको बेनिफिट ये है कि जब भी वो फ्री हो वो हमारे साथ जुड़ सकते हो ना, हम वो एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा दी गई है। इन क्विजेस का बेनिफिट ये भी है कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और कभी अगर आपका ये सेशन छूट जाता है तो आप उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं। तो ऐसे में आप जो है कोई डिस्कशन है तो वो उसका आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आपको उसका तुरंत आंसर मिल जाएगा। यानी कि वन टू वन इंटरेक्शन यहाँ पे होता है एजुकेटर के साथ। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल्स हैं, यानी कि एजुकेटर्स मान लिया आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसके चार ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है, तो उसके चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और आपको बस टच करना है कि कौन सा ऑप्शन, आपको बस सोच के ये आंसर बताना है कि उसके उन चार में से क्या ऑप्शन हो सकता है और आपको उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमारे साथ जुड़े जाएंगे। सो ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month। इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, मेरा कोड अगर आप यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि 1 month के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं उसके मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये पड़ेगा आपको 4,500 का। 3 months के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो मेरा कोड यूज करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 month के जो चार्जेस हैं मेरा कोड यूज करके आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 month के जो चार्जेस हैं वो मेरा कोड यूज करके पड़ेगा आपको 22,500 का। ऐसे ही 24 month यानी 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं मेरा कोड यूज करने के बाद LIVEDRAM मेरा कोड यूज करने के बाद ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज का। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, 1 month का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस थे, 1 month के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस वो हैं 4,500 और 12 month के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस वो हैं 22,500। यानी कि टोटल 13 month के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरा 2 साल का आपको बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आपको पे करना 13 month के लिए और लेकिन आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो पूरे 2 साल के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि अपने अंदर बिलीव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन हमेशा ही अपने अंदर रखिए। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछला जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने कॉपर, थेलियम और क्या कहते हैं आर्सेनिक के बारे में मैंने बता दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो उसके अंदर मैं मरकरी
और लेड, इन दो को ही मैं टारगेट लेके चलूंगा क्योंकि काफी बड़े टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मरकरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। मरकरी का जो दूसरा नाम है उसका नाम है क्विक सिल्वर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं पारा। इसके फीचर्स की बात बता दूं मैं, ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटेलिक मरकरी इज हैविंग ब्राइट सिल्वरी लस्टर एंड इज वॉलेटाइल एट रूम टेम्परेचर। द फ्यूम्स आर ओडोरलेस एंड इनविजिबल्स। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मरकरी है, यहाँ पे मरकरी रखा हुआ है। इट इज 13.5 डेंसर देन वाटर। मेटलिक मरकरी इज नॉन पॉइजनस इफ टेकन बाय माउथ एज इट इज एट इज इट नॉट एब्जॉर्ब। हाउएवर इफ वेपर्स आर इनहेल्ड मे एग्जर्ट टॉक्सिक इफर्ट। यानी कि यहाँ अगर कोई पर्सन अगर मरकरी को इंजेस्ट कर लेता है तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं वो, लेकिन जो उसके जो वेपर्स हैं अगर उसको इनहेल करता है तो वो टॉक्सिक इफर्ट, वो बॉडी में टॉक्सिक सिम्टम दिखा देता है। मरकरी एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, तीन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, एलिमेंटल मरकरी, इनऑर्गेनिक मरकरी और ऑर्गेनिक मरकरी। तो मरकरी को हम एच जी के नाम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच जी। तो एलिमेंटल मरकरी के जो वेपर्स हैं वो होते हैं टॉक्सिक। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर ऑफ टू टाइप। तो मरकरी के जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो बायवेलेंट मरकरी और मोनोवेलेंट मरकरी। जो बायवेलेंट मरकरी है वो ज्यादा पॉइजनस होता है, लेकिन जो मोनोवेलेंट मरकरी वो लेस पॉइजनस होता है। तो टॉक्सिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो मरकरी ऑक्साइड ये ब्रिक रेड कलर का होता है। मरकरी क्लोराइड ये हैवी कलरलेस प्रिज्मेटिक क्रिस्टल। मरकरी आयोडाइड जो है ये स्कारलेट रेड कलर का होता है। मरकरी साइनाइड वाइट कलर का होता है। मरकरी नाइट्रेट ये डिलिक्वेसेंट क्रिस्टलाइन होता है। मरकरी सल्फाइड ये भी रेड कलर का होता है। जो सिंदूर होता है ये मरकरी सल्फाइड है। मरकरी सल्फेट वाइट कलर का होता है। मरकरस क्लोराइड फाइब्रस हैवी डर्टी वाइट मास। मर्करस नाइट्रेट कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। तो चलिए कुछ इमेजेस मैंने रखी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मर्करिक ऑक्साइड ऐसा दिखाई देता है, मर्करिक क्लोराइड ऐसा दिखाई देता है, ऐसे ही मर्करिक आयोडाइड ऐसा दिखाई देता है और मर्करिक क्लोराइड ऐसा दिखाई देता है। मर्करी के यूजेस के बारे में जानते हैं। तो मरकरी का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली आप जानते होंगे कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है, तो बैरोमीटर और थर्मामीटर्स के अंदर होता है, सेरामिक के अंदर होता है, ड्राई सेल बैटरीज के अंदर होता है, फेल्ट हेड के अंदर, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, एम्बाल्मिंग फ्लूइड के अंदर भी पाया जाता है, फिंगरप्रिंट पाउडर, ग्रेन्स प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स और पेंट, इन सब के अंदर मरकरी का यूज होता है। एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में जानते हैं मरकरी के। एलिमेंटल मरकरी इज रेडली एब्जॉर्ब थ्रू एल्वुलर मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द ब्लड। मरकरिक साल्ट आर एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, जीआईटी म्यूकोसा, वेजाइनल म्यूकोसा एंड ब्लैडर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन पास प्लेसेंटा बैरियर एंड कॉज फेटल टॉक्सिसिटी। इन ब्लड मरकरी इज कन्वर्टेड इंटू मर्क्यूरियस आयन एंड कॉज ट्यूबुलर डैमेज ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। इन CNS मर्करी एक्ट एज सेरेबेलम, एक्ट ऑन सेरेबेलम, टेम्पोरल लोब, बेजल गैंग्लिया एंड कॉर्पस कैलोसम। मर्करी गेट्स डिपॉजिटेड इन लीवर, किडनी, स्प्लीन एंड बोन। मर्करी इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, फीसिस एंड बाइल विद एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि कैसे वो एक्ट करता है बॉडी पे। तो इसके अंदर आपको सल्फाइड्रिल एंजाइम के बारे में याद रखना पड़ेगा। तो मरकरी कंपाउंड एक्ट बाय इनएक्टिवेटिंग सल्फाइड्रिल एंजाइम कॉजिंग इंटरफेरेंस विद सेलर मेटाबॉलिज्म। फेटल डोज की अगर बात करूं तो मैं मर्करी क्लोराइड 1 ग्राम तक इसका फेटल डोज होता है, साइनाइड का 0.6 से 1.3 ग्राम तक होता है, नाइट्रेट का 4 ग्राम तक होता है और क्लोराइड का
1.5 to 2 ग्राम तक इसका फेटल डोज होता है। फेटल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 3 to 5 डेज का इसका फेटल पीरियड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो एक्यूट पॉइजनिंग विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर पहला, अगर एक्यूट पॉइजनिंग की अगर बात करूं तो उसके अंदर भी, अगर पहले इनहेलेशन की बात करूं तो इनहेलेशन अगर कोई कर लेता है तो उसके अंदर ब्रेथलेसनेस देखा जाएगा, कफ की सिम्टम्स आएंगे, फीवर, चिल्स जो ये होते हैं इसको मेटल फ्यूम फीवर के नाम से भी जाना जाता है, हेडेक होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होगा, कन्वल्शंस देखे जाएंगे, एटेक्सिया होगा और डिलीरियम होगा। अगर कोई इंजेक्टिव इंजेक्शन के फॉर्म में ले लेता है तो सब क्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ मर्करी कॉजेज एब्सेस फॉर्मेशन कर देगा विद अल्सरेशन। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट्स इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर कोई आईवी के रूट से लेता है तो उसको ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे। इंट्रा आर्टेरियल एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट्स इन पेरिफेरल एम्बोलिज्म विद इस्टीमिया एंड गैंग्रीन। तो यानी कोई इंट्रा आर्टेरियल रूट से अगर इंजेक्शन ले लेता है तो उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई इंजेस्ट कर लेता है तो उसको मेटलिक टेस्ट आएगा, एब्नॉर्मल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, शॉक के सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, कोरोजन ऑन माउथ एंड टंग, हिमेटमेसिस, रीनल फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, यूरिन जो होगी वो पिंकिश कलर की हो जाएगी, ग्लोसाइटिस विद अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, लूजनिंग ऑफ टीथ, नेक्रोसिस ऑफ जॉ और मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर देखेंगे अगर वो मर्करी को इंजेस्ट कर लेता है तो। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर कि मर्करी का अगर कोई टॉक्सिसिटी हो जाती तो उसका मैनेजमेंट क्या है। गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज विद एग वाइट और एल्बुमिन और मिल्क टू बाइंड द मर्करी। निमल्सेंस दे सकते हैं, लेक्सेटिव हम दे सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं उसको फॉलोअप के लिए, चिलेशन विद बाल और DMPS के साथ हम उसको चिलेशन भी कर सकते हैं बाल का, जैसे मैंने आपको बताया था डायमर कैप्रोल या फिर ब्रिटिश सेंट्रल लेवोसाइट, और फिर उसका सपोर्टिव मेजर जैसे ABCDE जो मैंने आपको बताया था। अगर पॉइजनिंग बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो उसके केस में क्या होगा, जैसे हमने पिछले स्लाइड के अंदर हमने देखा था एक्यूट पॉइजनिंग विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का था। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर पॉइजनिंग होती है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे, डिसार्थ्रिया दिखेगा, एटेक्सिया दिखेगा, पैरेस्थीजिया दिखेगा, न्यूरोपैथी दिखेगी, डिमिनिश्ड विजुअल एंड ऑडिटरी एक्टिविटी देखने को मिलेगा, मेंटल डिटोरिएशन देखने को मिलेगा, कॉलेरा और मिनी मार्टर डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जापान के अंदर ज़्यादा देखी जाती है मिनी मार्टर डिजीज। ऐसे क्रोनिक पॉइजनिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रा ऑर्गेजम, मर्क्यूरियलिज्म, एक्सेसिव सलाइवेशन, मेटलिक टेस्ट, एनोरेक्सिया, इंसोमनिया, हेडेक, जिंजिवाइटिस, हेलिटोसिस, ब्लू लाइंस ऑन गम्स, इसको हम वो भी बोलते हैं, ये ब्लू लाइंस ऑन गम्स भी देखने को मिलेंगे, लेसिट्यूड, विजुअल ब्लरिंग देखने को मिलेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ विजुअल फील्ड देखने को मिलेगा जिसको टनल विजन के नाम से भी हम जानते हैं, मर्क्यूरियल लेंटिस यानी कि मर्क्यूरियल लेंटिस क्या होता है, ऑपेसिटी ऑफ द इंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस ऑफ द आई ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द मर्करी। मर्करी के डिपोजिशन होने की वजह से एंटीरियर कैप्सूल जो होता है उसके अंदर ओपेसिटी देखने को मिलती है, एटेक्सिया होगा, मतलब रेलिंग गेट टाइप का हमें एटेक्सिया देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा ट्रीमर्स के बारे में जानते हैं। मर्करी पॉइजनिंग के अंदर ट्रीमर्स दिखाए जाते हैं और ट्रीमर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीमर्स एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग एंड इज रिफर्स एज डनबरी ट्रीमर्स। द ट्रीमर्स आर कोर्स इनटेंशनल टाइप, इंटर स्प्रेस टाइप विद जर्की मूवमेंट इनिशियली इन्वॉल्विंग हैंड्स, लेटर इट इन्वॉल्व्स लिप, टंग, आर्म्स एंड लेग्स। द एडवांस कंडीशन ऑफ द ट्रिमर्स इज कॉल्ड एज हेटर्स शेक, यानी कि पहले डनबरी ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर हेटर्स शेक देखने को मिलेगा
जैसे जैसे टाइम निकलेगा तब, बिकॉज द कंडीशन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब अमंग फेल्ट हेट वर्कर्स, इसलिए इसका नाम हेटर्स शेक पड़ा है। इन हेटर्स शेक द ट्रिमर्स बिकम सो सीवियर दैट डेली एक्टिविटी ऑफ पर्सन आर ग्रोसली इम्पेयर्ड सच एज शेविंग, राइटिंग, होल्डिंग कप एक्सेट्रा। उसके बाद और ज़्यादा सीवियर कंडीशन अगर हो जाती तो एज द डिजीज प्रोग्रेसेस द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द ट्रिमर्स आर कॉल्ड एज कंकशन मर्क्यूरियलिस, विच मीन्स नो एक्टिविटी इज पॉसिबल। यानी कि इस कंडीशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इतने ज़्यादा ट्रिमर्स होंगे कि कोई भी एक्टिविटी जैसे कि शेविंग, राइटिंग, होल्डिंग कप, ये जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब मर्क्यूरी पॉइजनिंग पे सबसे पहले डनबरी ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, फिर हेटर्स शेक देखने को मिलेगा, फिर कंकशन मर्क्यूरियलिस देखने को मिलेगा। तो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। इस क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर हमें फ्रेमर्स के बाद हमें देखने को मिलता है मर्क्यूरियल इरेथिज्म। इसके अंदर क्या होता है, अ क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैरेक्टराइज बाय क्लस्टर ऑफ साइकेट्रिक सिम्टम्स, साइकेट्रिक सिम्टम्स देखने जाएंगे जैसे कि डिस्टर्बेंस इन पर्सनैलिटी, एबनॉर्मल साइनस, टिमिडिटी, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंसोमनिया, एक्साइटेबिलिटी, प्रोग्रेसिंग लेटर इंटू डिलीरियम एंड हेलुसिनेशन। इसी को ही मैड एज हेटर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कोलाइटिस देखने को मिलेगा, मेलानोसिस कोलाई देखने को मिलेगा और मर्करी डर्मेटाइटिस भी देखने को मिलेगा। इसका नाम क्या होता है, फ्रॉम मर्करिक सल्फाइड अ रेड एरिया ऑफ टैटूज हैज बीन रिपोर्टेड, ऑल्सो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस एज ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हैज बीन नोटेड, डिमेंशिया, रेनिया फेलियर जैसे देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज है, वो है पिंक डिजीज, जिसको एक्रोडेनिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो हमने ट्रेमर्स देखा पिछली स्लाइड में, हमने ट्रेमर्स देखा, फिर हमने इरिथिज्म देखा, फिर हमने एक्रोडेनिया। तो इसके अंदर हमने तीन चीजें हमने देखी, इसके अंदर भी डनबरी शेक, हेटर शेक, ये सारी चीजें हमने देखा ट्रेमर्स के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्रोडाइनिया, जिसको पिंक डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर सिक्स पीज आप ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सिक्स पीज आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। सिक्स पीज, तो पिंक डिजीज क्या होता है, एक्रोडाइनिया क्या होता है, सीन मोस्टली इन चिल्ड्रेन एंड कॉज बाय क्रोनिक मर्करी एक्सपोजर, इट कॉज एनोरेक्सिया, इंसोमनिया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्किन रेड, रेडनेस, वेसिकेशन, स्क्वेमेशन यानी पीलिंग ऑफ पाम, फिंगर, सोल एंड फोटोफोबिया। इसको हम सिक्स पीस रिमेंबर, सिक्स पीस, पफी, पिंकिश, पेनफुल, पैरेस्थेटिक, परस्पायरेशन, परस्पायरिंग एंड पीलिंग। तो ऐसे करके आप सिक्स पीस आप याद रख सकते हैं। शेडिंग ऑफ टीथ एंड अल्सरेशन ऑफ गम्स भी देखा जाता है क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग के अंदर। तो चलिए दोस्तों, ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इमेसिएशन बॉडी, इमेसिएटेड बॉडी, माउथ, थ्रोट, स्टमक अपीयर्स ग्रेश विद सॉफ्टनिंग एंड कोरोजन एंड हेमरेजिक एरियाज, विद हेमरेजिक एरियाज, कोलाइटिस, लीवर एंड हार्ट का फैटी डिजनरेशन देखने को मिलेगा, किडनी के अंदर पेल, सोलन विद एडिमा ऑफ रीनल कॉर्टेक्स विद नेक्रोसिस ऑफ रीनल ट्यूबुल, ये सारी चीजें हमें ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर मिलेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों इसका, पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ मर्करी एज फोक मेडिसिन, टूथपेस्ट, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, डेंटल एमलगम, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग कैसे, कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फिश विद मिथाइल मर्करी, ड्राई सेल बैटरी, इन सब के एक्सीडेंटल कंजम्पशन से पॉइजनिंग हो सकती है। होमिसाइडल एंड सुसाइडल आर रेयर, यूज टू प्रोक्योर क्रिमिनल अबॉर्शन, तो इसके अंदर भी मर्करी यूज होता है। तो दोस्तों इसके लिए एक निमोनिक है, निमोनिक आपके सामने रहता हूं, निमोनिक है मीट्स, मीट्स या फिर एक दूसरा निमोनिक है वो है टेबल, मीट या फिर टेबल। तो चलिए एम से जानते हैं, एम से एक है मर्क्यूरियल एंटिस, मर्क्यूरियल एंटिस, फिर एम से आपका
मिनामाटा डिजीज, या फिर एम से एक और आप नोट कर सकते हैं, ये एक एम हटा देता हूं मैं। वैसे ये एम का मतलब मैंने यहां पे मरकरी रखा था, एक मिनट। तो डबल एम इसलिए था इसका नाम मरकरी। तो यहाँ एम से आता है एक मर्क्यूरियल एंटिस, एम से आता है मिनामाटा डिजीज, और एक है मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। कोलाइटिस फिर ई से होता है आपका इरिथिज्म। इरिथिज्म के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था साइनस आ जाती है, इंसोमनिया जैसी चीजें आ जाती हैं, मतलब साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लग जाएंगे। फिर ए से मैंने बताया था एक्रोडाइनिया, जिसको पिंक डिजीज के नाम से भी जानते हैं हम, तो एक्रोडाइनिया। फिर टी से था ट्रिमर्स, ट्रिमर्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था डेनबरी शेक या फिर हेटर शेक। फिर एस से एक्सेसिव सलाइवेशन, तो सलाइवेशन। तो ऐसे यहाँ पे टेबल का एक टेबल भी एक निमोनिक है, तो आपको जो ज्यादा अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो। तो टी से ट्रिमर्स, ए से एक्रोडाइनिया, बी से है बाल, तो ये इसका एक एंटीडोट है। फिर उसके बाद एल, एल से जैसे लेंस जो होता है, लेंस के डिपोजिशन, मरकरी जो है लेंस पे डिपॉजिट कर जाता है, जिसको हमने जो नाम दिया था वो था मर्क्यूरियल एंटिस, मर्क्यूरियल एंटिस। फिर ई से जो था वो था एरिथिज्म। तो या तो मीट्स या फिर टेबल, जो भी आपको निमोनिक अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी से मर्करी खत्म होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेड पे। लेड को हम हिंदी में बोलते हैं शीशा। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? लेड इज हैवी सॉफ्ट स्टील ग्रे मेटल विच गिव्स ऑफ टॉक्सिक फ्यूम व्हेन इट इज मेल्टेड। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लेड मेटल से ग्रेन। तो लेड एंड इट्स कंपाउंड्स आर टॉक्सिक। तो इसके सोर्सेज देख लेते हैं हम लोग। तो टॉक्सिक जो कंपाउंड है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर होता है लेड, इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर लिखा होगा अनलेडेड पेट्रोलियम। बैटरी मेकिंग के अंदर लेड यूज होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होता है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी यूज होता है, हाउस पेंट्स के अंदर भी यूज होता है, और स्टील वेल्डिंग और कटिंग के अंदर भी यूज होता है। तो चलिए टॉक्सिक कंपाउंड के बारे में जानते हैं लेड के। तो लेड एसीटेट, लेड कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, लेड सल्फेट, लेड क्रोमेट, क्लोरेट, आयोडाइड, सल्फाइड, मोनोऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड और टेट्राइथाइल। तो ये सारे इसके लेड के टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं। तो लेड कार्बोनेट ऐसा वाइट दिखता है, लेड क्रोमेट ऐसा दिखता है, लेड सल्फाइड ऐसा दिखता है, लेड टेट्राऑक्साइड ऐसा दिखता है, और लेड एसीटेट ऐसा दिखाई देता है। इन सब के जो नाम के साथ साथ कैसा दिखता है, जैसे लेड क्रोमेट क्रोम येलो कलर का दिखता है, कॉमन नेम जो है क्रोम येलो है, और कैसा दिखता है ब्राइट येलो कलर का दिखता है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल इस टेबल में दे रखा है। चलिए लेड के अब यूज के बारे में आते हैं। तो लेड का यूज कहाँ कहाँ होता है? पेंट के अंदर यूज होता है, ग्लेजिंग ऑफ पॉटरी एंड इनेमल वेयर, एंटी नॉक ऑफ पेट्रोल, लेड एसिड बैटरीज के अंदर यूज होता है, प्रोजेक्टाइल्स फॉर फायर आर्म के अंदर भी लेड यूज होता है, और ग्लास के अंदर भी लेड यूज होता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है दोस्तों? कंबाइंड विद सल्फाइड्राइल एंजाइम एंड इनिबिट सेल मेटाबॉलिज्म, इट ऑल्सो इनिबिट फॉलोइंग एंजाइम एंड रिक्वायर्ड फॉर हीम सिंथेसिस एंड कॉज एनीमिया। तो ये जो पूरी लिस्ट है इसके अंदर लेड जो है पाथवे को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो कौन कौन से एंजाइम को ये ब्लॉक कर इनहिबिट करता है? अमीनो वेलुनिक एसिड डिहाइड्रेट डिहाइड्रेटेज के अंदर ये लेड जो है लेड पीबी और क्रॉस का मतलब लेड ऑफिक क्रॉस, इसका मतलब ये है लेड क्रॉस।
लाइट जो है इस पाथवे को ब्लॉक कर देता है। अमीनो लेविनिलिक एसिड सिंथेसिस इस वाले पाथवे को भी लेट ब्लॉक कर देता है। कॉप्रोपोरफायरोनिजिन ऑक्सीडेज यानी कि इसको इस पाथवे को भी लेट जो है ब्लॉक कर देता है। और फेरोचिलेटेज इस वाले पाथ मतलब जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर भी लेट जो है ब्लॉक कर देता है। तो आपने देखा हीम का जो ये सिंथेसिस है उसके अंदर जो लेड है वो चार जगह जो है ब्लॉक कर देता है पाथवे को, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो मैं ये इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, इट कॉजेस हिमोलाइसिस। तो ये जो है लेड जो है हिमोलाइसिस भी कर देता है। तो ये अगर मैं इस पाथवे को डिस्क्राइब करूँ तो ये जो टेबल है शोइंग बायोसिंथेसिस ऑफ हीम विद इंटरफेरेंस बाय लेड। तो जो PBX का मतलब होता है ये मतलब होता है इनिबिट करना लेड के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के ऊपर। तो एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑल रूट्स बाय स्किन GIT म्यूकोसा और इनहेलेशन कहीं से भी एब्जॉर्ब हो जाता है ये। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज स्टोर्ड इन बोन एड फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। इट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन लीवर एंड किडनी। लेड इज क्यूमुलेटिव पॉइजन एंड इट्स रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज लेस देन एब्जॉर्प्शन। इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड बाइल। तो अगर मैं इसके फेटल डोज की अगर बात करूँ तो लेड एसिटेट का फेटल डोज है 20 ग्राम, कार्बोनेट का है 40 ग्राम, टेट्राइथाइल का है 100 mg/kg इसका फेटल डोज है। फेटल पीरियड की अगर बात करूं तो 2 से 3 दिन इसका फेटल पीरियड होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मेटलिक टेस्ट आएगा, वॉमिटिंग होगा, कोलिके एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, अटैक्सिया होगा, अपैथी होगा, हेडेक होगा, इंसोमिया होगा, पैस्थीशिया देखने को मिलेगा, लेथार्जी हो गई पेशेंट को, ड्रॉजीनेस होगा पेशेंट को, एक्यूट लेड एनसेफलोपैथी भी देखी जाएगी पेशेंट के अंदर, कन्वर्शंस देखे जाएंगे और कोमा भी पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। क्रोनिक पॉइजनिंग की अगर बात करें तो क्रोनिक पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म के नाम से भी हम जानते हैं या फिर सेटोरिनिज्म के नाम से भी हम जानते हैं। माइल्जिया, पैरेस्थीशिया, फटीग, इरिटेबिलिटी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर पेन भी होगा पेशेंट को, आर्थ्रेल्जिया होगा पेशेंट को, ट्रिमर्स, हेडेक, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, वेट लूज और फेशियल पैलर। तो फेशियल पैलर भी इसके अंदर देखा जाएगा, ये आप नोट करके लिखिएगा। मैं आखिरी में निमोनिक एक मैं दूंगा, उस निमोनिक के अंदर फेशियल पैलर भी वर्ड आएगा। तो स्पेशली अराउंड द माउथ सरकम ओरल पैलर कहा जाता है उसको, क्योंकि माउथ के ही अराउंड में होता है ये। इज कंसिडर्ड एज कंसिस्टेंट साइन ऑफ क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग। इट इज ड्यू टू वैसो स्पैजम इन एडिशन टू एनीमिया। तो फेशियल पैलर आप याद रखें क्योंकि मैं जो लास्ट में जो निमोनिक दूंगा उसके अंदर फेशियल पैलर वर्ड आएगा। इसके अंदर और क्या क्या देखा जाएगा, एनीमिया देखा जाएगा। जैसे मैंने एनीमिया की पूरी आपको टेबल दिखाई थी कि लेड कहाँ कहाँ उसको ब्लॉक करेगा। एनीमिया इज ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन हीम सिंथेसिस, इसके बारे में पिछले स्लाइड्स में मैंने हर चीज बता दी है। एंड इज हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक टाइप एनीमिया। देयर इज रिड्यूस एरिथ्रोसाइट लाइफ स्पेन। ब्लड के अंदर क्या क्या देखा जाएगा, देयर इज इमेच्योर्ड RBC, रेड सेल्स इन सर्कुलेशन सच एज रेटिकुलोसाइट एंड बेजोफिलिक स्टिपल सेल्स। बेजोफिलिक स्टिपलिंग और पंक्टेट बेसोफिलिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ मैनी डार्क कलर्ड पिन हेड साइज स्पॉट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द RBC। द स्पॉट्स आर एग्रीगेटेड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA ड्यू टू इनिबिशन ऑफ द एंजाइम पिरिमिडिन 5-nucleotidase दैट नॉर्मली एलिमिनेटेड डिग्रेडेड एलिमिनेट डिग्रेडेड RNA। बार्टोरियन लाइन्स देखने को मिलेंगी हमें इसके अंदर, जिसको हम लेड लाइन के नाम से भी जानते हैं। अ ब्लूइश लाइन इज प्रेजेंट ऑन द गम्स। द लाइन फॉर्मेशन इज ड्यू टू लेड फॉस्फाइट लेड फॉस्फाइट लेड सल्फाइट माफ कीजिए लेड सल्फाइट इज फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिब्रेटेड
फ्रॉम द डिकम्पोज फूड इन द माउथ विद लेड। कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन भी इसके अंदर देखा जाएगा, जिसको हम ड्राई बैली एग के नाम से भी हम जाते हैं। कोलिक इफेक्ट इंटेस्टाइन यूरेटर एंड यूट्रस। द अटैक ऑफ कोलिक लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स एंड इट इज फॉर्म ऑफ सीवियर इंटरमिटेंट एंड क्रैम्प्स। ड्यूरिंग कोलिक द एब्डोमिनल वॉल इज रिजिड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्स्टिपेशन इज एसोसिएटेड विद द कोलिक। तो ये सारी जो है मैंने लास्ट में निमोनिक में जो बताऊंगा मैंने उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगे। इसके अंदर क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर लेट पैल्सी भी दिखाया था, इट इज लेट फिनोमेना। द एक्सटेंसर मसल्स आर पैरालाइज कॉजिंग रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप इट इज मोटर टाइप ऑफ पैरालिसिस। द मोटर पैरालिसिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस विद फॉस्फोक्रिएटिनिन मेटाबॉलिज्म। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। लेट एनसेफलोपैथी क्या होती है, इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन एंड प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, इरेटेबिलिटी, हेडेक, एटेक्शिया, वर्टिगो, कन्वल्शंस एंड कोमा। क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर हाइपरटेंशन, आर्टरियोस्क्लेरोटिक नेफ्राइटिस, एमेनोरिया, स्टेरिलिटी एंड एबॉर्शन, ये भी देखा जाता है क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि हम लेड का पीबी का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हम इसके चिलेशन कर सकते हैं, द यूज ऑफ कैल्शियम चिलेट ऑफ डाई सोडियम EDTA एक्ट एज एन आयन एक्सचेंजर इन विच द कैल्शियम इज एक्सचेंज फ्रॉम द हैवी मेटल आयन एंड अ सॉल्यूबल एंड स्टेबल चिलेट ऑफ आयन इज फॉर्म। दिस लेड चिलेट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एज अ रिंग कॉम्प्लेक्स। डायजपाम भी हम यूज कर सकते हैं जब कन्वर्शन देखे जाएंगे, थायमिन भी हम यूज करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी हम यूज करेंगे। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, पेल स्किन देखने को मिलेगा, ब्लू लाइन्स ऑन गम्स जिसको हम बर्टोनी लाइन्स के नाम से भी जानते हैं, इमेसिएशन, लेड लाइन ऑन एक्सरे, GIT के अंदर हमें अल्सरेशन, हेमरेज विद कॉन्ट्रैक्टेड वॉल, रीनियर ट्यूबुलर डिजनरेशन, बोन मैरो हाइपरप्लेशिया, सेगमेंटल डीमाइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, पैरालाइज्ड मसल्स आर फ्लैसिड एंड शो फैटी इन्फिल्ट्रेशन, एलिवेटेड डेल्टा अमीनोलेविनिलिनिक लेवल्स इन पोस्टमार्टम ब्लड, ALA का लेवल हमें बढ़ा दिखेगा ब्लड के अंदर। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक लेते हैं इसका लेड के अंदर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या क्या होगा इसका। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में अक्कर इन चिल्ड्रेन, प्लम्बिज्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल हेजार्ड्स होता है ड्यू टू प्रोक्योर क्रिमिनल एबॉर्शन, यूज टू प्रोक्योर क्रिमिनल एबॉर्शन, कैटल पॉइजनिंग के अंदर भी यूज होता है, लेड बुलेट या फिर मिसाइल एम्बेडेड इन पर्सन और इन फायरम इंजरी में कॉज क्रोनिक पॉइजनिंग जिसको प्लम्बिज्म के नाम से भी जानते हैं, हाउएवर रिपोर्टेड केस आर फ्यू। सो सैडल और होमिसाइडल काफी रेयर होते हैं लेड पॉइजनिंग के अंदर। तो दोस्तों इसका मैं निमोनिक देता हूँ लेड का। लेड का जो निमोनिक काफी ईजी है वो है ABCDEF। तो यह है इसका निमोनिक। चलिए एक एक करके जानते हैं। ए से जैसे मैंने आपको बताया था एबॉर्शन और मतलब एमेनोरिया और एनीमिया, तो एनीमिया तो काफी इंपॉर्टेंट है एनीमिया, और ये एमेनोरिया भी कॉज करता है, एमेनोरिया भी कॉज करता है। बी से मैंने आपको बताया था बर्टोलियन लाइन, जिसके लिए मैंने आपको एक इमेज भी दिखाया था जिसके अंदर गम्स के ऊपर ब्लूइश लाइन आ जाती है। बी से एक है बेसोफिलिक स्टिपलिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। सी से कोलिक या फिर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। डी से है ड्रॉप यानी कि रिस्ट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप या फिर फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप। ई से है EDTA, EDTA हम इसके मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं, और उसके अंदर भी कैल्शियम डाई सोडियम वर्सिनेट एक और यूज करते हैं, कैल्शियम डाई सोडियम वर्सिनेट। और एफ से मैंने जैसा आपको बताया था फेशियल पैलर, फेशियल पैलर। तो दोस्तों एक बारी मैं अगर आपको ये सारी चीजें दिखा दूं तो यहां से करते हैं, तो ए बी
सी, बी से बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी होता है, बी से बर्टोनियल लाइंस भी होता है, सी से कोलिक कॉन्स्टिपेशन, ए बी सी, फिर डी से आप ड्रॉप ले सकते हैं, ए रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप डी, और ई से आप ई डी टी ए, और फिर एफ से जो मैंने आपको बताया था वो था एफ, तो फेशिया पैलर एफ। तो दोस्तों काफ़ी ये जो निमोनिक है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी है, ये आप अपने नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो निमोनिक है वो है ए बी सी डी ई एफ। तो इसका जो निमोनिक है वो है ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ। दोस्तों काफ़ी इजी निमोनिक है, काफ़ी अच्छा निमोनिक है। तो यहीं पे दोस्तों आज का मरकरी और लेड पॉइजनिंग में ख़त्म करता हूँ, सेकंड पार्ट में ख़त्म करता हूँ मेटली पॉइजनिंग का। इसके बाद थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, उसके लिए मैं पूरा मेटली पॉइजनिंग खत्म करवा दूंगा। एंड करने से पहले आज की वीडियो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रखिए, अपने अंदर हमेशा ये सोच रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। आपने कुंफू पांडा के जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि हमेशा यही वो जो क्रोकोडाइल होता है, मास्टर शिफ जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, टॉर्टोइज जो होते हैं उसके अंदर, वो भी यही कहते हैं कि यू मस्ट बिलीव, हमेशा बिलीव रखिए कि हाँ आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप, ये मानता हूँ ये जो स्ट्रगल, ये जो फेज़ है काफ़ी स्ट्रगल वाला फेज़ है, इसके अंदर हमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंपटीशन के दौर से हमें निकलना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अपने अंदर अगर आप ये बिलीव रखेंगे कि हाँ मैं नीट पीजी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं काफ़ी अच्छे रैंक से कर सकता हूँ, तो आप काफ़ी अच्छे रैंक से कर ले जाएंगे। बस आपको बिलीव रखना है, हार्ड वर्क करना है और पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर रखनी। बस अगर आप ये आप करते हैं तो आपकी नीट पीजी 100% आपकी क्रैक हो जाएगी। दोस्तों एंड करने से पहले हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो इससे आपकी आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी जो भी हम अपलोड करते हैं। मैं जैसे आज जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं ये जब यूट्यूब पे आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हम लाइक जरूर करा करी वीडियो को, इससे होता ही है हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी स्लाइड्स रखने के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन लाइव सेशन नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके कोई भी डाउट अगर होते हैं तो पहले तो यही है कि स्लाइड से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन तब भी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस जो होती हैं ऐप के अंदर, आप उसके अंदर पूछ सकते हैं मेरे से, वो एकदम लाइव क्लासेस होती हैं। ये तो जो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ ये तो रिकॉर्डेड सेशन है ये, लेकिन जो ऐप के अंदर जो मैं क्लासेस लेता हूँ वो एकदम लाइव क्लासेस होती हैं। तो ऐसे में आपके कोई भी डाउट होंगे तो मैं ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा। मैं भूलेगा नहीं दोस्तों, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि 2 साल यानी 24 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, मेरा कोड यूज़ करके आपको पड़ता है 27,000 रुपीज़ का। ऐसे ही 1 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो हैं 4,500, 12 मंथ्स के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो हैं 22,500। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको पूरे 2 साल का आपको बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि आपको पे करना 13 मंथ का, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बारी सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज के टाइम पे जैसे कोरोना वायरस इतना देश में फैल रहा है, तो ऐसे में हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आगे आके आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है, क्योंकि ऐसे में आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घरों में रहने के लिए हिदायत दी जाती है। तो ऐसे में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे में उनको ऑफलाइन क्लासेस के लिए एक तो ट्रैवलिंग टाइम बचेगा आपको, आना जाना वो सारा लॉकडाउन के टाइम पे ये सारा आपका बचेगा, आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में आप हम लोग के साथ, हम आपको नीट पीजी की गाइडेंस देंगे, प्रिपरेशन कराएंगे आपकी। यहाँ पे बेनिफिट ये भी है कि अगर मान लीजिए जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसके अंदर मिनिमम 50 बच्चा, 100 बच्चा, 500 बच्चा, 1,000 बच्चा ये सब होता है, तो ऐसे में
लोगों को थोड़ा हेजिटेशन होता है कोई भी क्वेश्चन पूछने में, तो ऐसे में अगर आप घर पे कंफर्टेबली अगर आप बैठे हैं तो भी आप डाउट आराम से पूछ सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पोल दे देते हैं, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे और आप अपने स्मार्टफोन के द्वारा आप चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो ये सारी बेनिफिट आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों ये सेकंड पार्ट आज की वीडियो का मैं एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेके आता हूँ मैं थर्ड पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू।